प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए देखिए किस तरीके से इस उम्र में भी बाबा का उत्साह सातवें आसमान पर है। नौजवानों को भी सीधे तौर पे बाबा भारी पड़ रहे हैं। नौजवानों पर प्रधानमंत्री मोदी जी जिंदाबाद, जिंदा जीतेंगे भाई, जीतेंगे चुनाव, जीतेंगे जीतेंगे भाई, जीतेंगे मोदी जी जीतेंगे। बाबा कहाँ से आए हैं? हम हिसार से आए हैं, हरलाखी क्षेत्र से, बहुत गांव से आए हैं मोदी जी को दर्शन करने के लिए। मोदी जी को दर्शन के करने के लिए हरलाखी से आए हैं, नेपाल के नजदीक से। बड़ी 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 दूर है, लेकिन कैसे दर्शन होगा? कैसे ना, वहाँ नहीं गए? जहाँ से रोड शो हो रहा है, जहाँ प्रधानमंत्री जी गाड़ी से बाहर रहेंगे, तो गाड़ी में हम नहीं। यहाँ पर लोग बोला है जी इनकम टैक्स के नजदीक मुलाकात हो जाएगी। क्या चाहते हैं मोदी जी से, क्या चाहते हैं? हम लोग तो देश का कल्याण चाहते हैं। मोदी जी जिंदाबाद। ये लोग जो सवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जो लोग सवाल उठा रहे हैं, चार सौ पार कैसे आएगा, मोदी जी क्या किए? 400 की 500 पार हो जाएगा भाई, 400 पार, 500 पार मोदी जी। नौजवान लोग नौकरी की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं नौजवान लोग या दूसरे नेता, कैसे? नहीं, नहीं, अभी अभी हम स्टूडेंट है, तो फिर हम मेरा कोशिश है मोदी जी से जो IIT और NIT में जो बहुत कम सीट है उसके रिलेटेड उसमें सीट बढ़ाया जाए, ताकि बच्चों सबको, मतलब इस साल लगभग 14-15 लाख बच्चे अपेयर हुए थे, लेकिन IIT में लगभग 15-16 हज़ार सीट है, तो फिर और बाकी बच्चों का क्या? इतना मेहनत करते हैं, भर साल पढ़ाई लिखाई करते हैं, जिसमें से कई बच्चे कुछ ही कम नंबर। बिल्कुल, बच्चे तो सवाल उठा रहे हैं भैया, कैसे देख रहे हैं? क्या मोदी जी को बच्चों की बात नहीं करना चाहिए? बहुत दिक्कत हो रहा है स्टूडेंट को, बहुत दिक्कत हो रहा है स्टूडेंट को, तैयारी करने में मतलब बहुत ज्यादा फीस लग रहा है पटना पढ़ने के लिए, पूर्णिया से पटना आए हैं पढ़ने के लिए। देखिए किस तरीके से, देखिए हम मोतिहारी से आए हुए हैं, उस समय सुबह के ट्रेन से आए हुए हैं मोतिहारी से, और हमारा इतना ही कहना है कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो हम लोग कितना भी कोशिश कर ले, बट एट दी लास्ट आकर के हम लोग, अगर जिसका बच्चा का 70% पर क्वालिफिकेशन होता है, अगर हम लोग उतना लाभ ही देते हो तो हम लोग को पीछे कर दिया जाता है, तो कृपया इस पर देखा जाए, मोदी जी से यही निवेदन है हमारा। मोदी जी से एक और बहुत बड़ी गुजारिश है कि रिजर्वेशन को हटाया जाए, क्योंकि जनरल का बच्चा 80-90 परसेंटाइल यही जैसे एग्जाम में ला के भी उन लोगों को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन OBC SC ST का बच्चा 34-35 परसेंटाइल पे उनको एकदम अच्छा अच्छा कॉलेज मिल जाता है। क्या सही बात है? बैटरी लो हो गया तो ठीक है भैया, लेकिन आपका तो अभी हाई है ना बैटरी। दो बजे से हम लोग एकदम जो 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 जुनून के साथ आए हुए हैं, वो अभी तक बेकरार है, बस उनका इंतजार रहेगा, सवालों के साथ मोदी जी के लिए इंतजार किया जा रहा है। बस ऑफ कोर्स, ये बिहार की धरती जो है ऐतिहासिक जगह पे माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ये पूरा इतिहास है, कभी ऐसा कोई प्रधानमंत्री ने रोड शो नहीं किया है, ठीक है? तो इसलिए हम लोग सारे पटना वासी उनका स्वागत करते हैं और दिल से धन्यवाद देते हैं और 400 पार की गारंटी देते हैं, 40 भी पार होगी यहाँ पे। बिल्कुल, तो 400 पार और 40 की भी गारंटी। देखिए पीएम मोदी अब से कुछ देर बाद जब यहाँ लौटते हैं तो क्या कुछ तस्वीरें होगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।